ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशी और आप देख रहे हैं बोन टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा शहर है जिसमें हमें एक हाल फिलहाल क्या है कि अपॉर्चुनिटी मिली है लॉन्ग टर्म या क्या है कि पोजिशनल के लिए। तो देखते हैं कौन सा वो स्टॉक है, क्या है इसकी कंडीशन है, कहाँ आपको बाय करना चाहिए, कहाँ आप एसएल लगा सकते हैं, वो सब। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो अब हम आ चुके हैं इस कंपनी के चार्ट के ऊपर। तो इस कंपनी का जो नाम है वो है वीआईपी इंडस्ट्री। आप सबने इस कंपनी को सुना होगा। और ये क्या है कि पास्ट में एक मल्टी लेगर रह चुकी है। आप देखें, इधर से अगर किसी ने ये कंसोलिडेट कर ब्रेकआउट पे बाय किया होता तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिल चुका है। बाद में थोड़ा नीचे आया और क्या है कि अभी ये थोड़ा अप जाने की कोशिश कर रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं, तो पहले हम इसकी क्या है कि एक लॉन्ग टर्म क्या है कि ट्रेंड लाइन बनाते हैं, कहाँ वो आई है वो सब। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हम टूल यूज कर लेते हैं, तो इसके लिए हम रे या लाइन यूज कर लेते हैं। रे तो रे ही यूज कर लेते हैं। ओके, तो एक मैं इधर से पॉइंट ड्रॉ करता हूँ और एक ये पॉइंट है उसको ज्वाइन करता हूँ। इसको मैंने ज्वाइन किया तो आपको हाल फिलहाल क्या है कि जब ये ऊपर से नीचे आई तो उसी ट्रेंड लाइन के आसपास से फिर से अप जाती हुई दिखी, बाद में फिर से नीचे आई और फिर से इधर से आपको एक अपसाइड जाती हुई दिख रही है। तो ये ट्रेंड लाइन पे क्या है कि पिछली बार सपोर्ट लेके अभी अप निकली है। और 1 वीक का चार्ट है, वो भी आपको एक याद रखना है। तो अभी हम इसमें क्या है कि और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो क्या है कि हम ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है इसीलिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ। तो वो ट्रेंड लाइन ये है कि इधर से एक पॉइंट ये ज्वाइन किया और एक पॉइंट ये ज्वाइन किया। तो आप देख रहे हो, तो 1 वीक के हिसाब से इसमें क्या है कि इसका ब्रेकआउट हो चुका है, तो इसीलिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ। तो ये था रीजन इसको मैंने सिलेक्ट क्यों किया, क्योंकि 1 वीक के टाइम फ्रेम के हिसाब से इसकी ट्रेंड लाइन जो होती है फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन, उसका ब्रेकआउट हुआ है इसीलिए। और बड़े कैंडल के साथ हुआ है, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी कैंडल के साथ हुआ है। आपको कहाँ एंटर होना है, क्या स्टॉप लॉस लगाना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी हम RSI देख लेते, तो RSI का 1 वीक के हिसाब से क्या सिचुएशन है, तो RSI देख लेते हैं, MACD भी देख लेंगे। तो RSI में लगा देता हूँ, तो RSI हाल फिलहाल 63.89 है, मतलब और बोर्ड जोन में 1 वीक के हिसाब से नहीं गया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाद में MACD का क्या रोल है इसमें ये देख लेते, तो MACD देख लेते हैं, MACD लगा लेते हैं हम, नॉर्मली कुछ चेंज नहीं करेंगे इसमें भी। तो MACD हम लगा रहे, तो आपको इसमें जब ये इधर से अबव आया तब क्या है कि आपको एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर मिल चुका है। मतलब क्या है कि हाल फिलहाल जो MACD है वो पॉजिटिव में। तो अभी हम इसको 1 डे पे शिफ्ट कर लेते हैं। क्या है 1 डे का इसका एनालिसिस, कहाँ आपको बाय करना चाहिए, कहाँ आपको SL लगाना चाहिए, वो सब। तो अब हम इसको 1 डे पे शिफ्ट कर लेते हैं, 1 डे पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये स्टॉक अभी क्या है कि पिछले कुछ दिनों से एक अपसाइड दे रहा है, और इधर क्या है कि फ्राइडे इसने ब्रेकआउट भी प्रॉपर तरीके से दे दिया है। तो अभी क्या करना चाहिए, आपको कहाँ एंटर होना चाहिए, तो आप देख रहे हो ये स्टॉक में इसको एक रेक्टेंगल जैसा ले लेता हूँ या हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, कोई भी ले लेते हैं, चलो रेक्टेंगल ही ले लेते हैं। तो आप देख रहे हो, तो एक बार ये इधर से नीचे गया, बाद में एक बार इधर भी इसने क्या है कि रेजिस्टेंस फेस किया। तो मैं इसको क्या है कि प्रॉपर तरीके से ये लेवल को ब्रेक होने दूंगा, तब आप इसमें एंटर हो सकते हो। जो ये इसका हाई है लास्ट टाइम, उसको आप क्या है कि ब्रेक होने दो, बाद में एंटर। अभी हाल फिलहाल वो जोन में आ चुका है लेकिन कोई वीकनेस नहीं दिख रही, तो आई होप कि ये इसको प्रॉपर तरीके से कल या परसों ब्रेक करके अबव निकलेगा, बाद में कोई आप डिसीजन बाय का लोगे तो इसको प्रॉपर ब्रेक होने दो। तो एक बार इधर रेजिस्टेंस ले चुका था, लास्ट टाइम भी इधर रेजिस्टेंस लिया था, तो हो सकता है कि इस बार भी ये क्या है कि इधर रेजिस्टेंस ले, लेकिन इतनी वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है, इसीलिए हो सकता है इसको प्रॉपर ब्रेक करके अबव निकल जाए। अगर ये इसको प्रॉपर ब्रेक करके अबव निकलता है तो आप इसमें अपनी क्या है कि लॉन्ग टर्म और पोजिशनल के लिए पोजिशन बना सकते हो, लेकिन एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस रखेंगे आप ये जो ये कंसोलिडेट जोन है, जो इसका ब्रेकआउट हुआ बाद में 2-3 दिन अपसाइड मिली, उसके नीचे मतलब इधर आई थिंक ये आएगा आपका 440 का लेवल। अगर इससे भी आप सेफ क्या है कि थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के लिए लॉन्ग टर्म के लिए ले जा रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस भी बड़ा होना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा रहे हो तो आप इसके नीचे लगा सकते हो, आई थिंक वो 410 का लेवल होगा, मतलब 410 का। तो क्या हो गया, आपकी ये लाइन भी आपको सपोर्ट करेगी। तो लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा रहे हो तो 410 का स्टॉप लॉस लगाओ। अगर क्या है कि पोजिशनल शॉर्ट टर्म के लिए लेके जा रहे हो तो आप इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाए जो आ रहा है 440। तो ये हो गया हमारी ओर से एंट्री, एंड क्या है कि क्या होगा आपका स्टॉप लॉस। अगर मैं हम टारगेट की बात करें तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं,
तो आई थिंक ये टारगेट आपको इसमें पहला टारगेट ये देखने को मिल सकता है। अगर ये इसको ब्रेक करके अब निकल गया तो आपका जो लास्ट टाइम होगा वो आपका सेकंड टारगेट रहेगा। और जो भी करो आप पहले अपनी एनालिसिस कीजिए, बाद में कुछ डिसीजन लीजिए। ऐसा नहीं होता कि मैंने इधर कुछ बता दिया तो आप सीधा ही कल या परसों बाय कर लेते हो, ऐसा नहीं होता। आप पहले अपनी एनालिसिस कीजिए, बाद में कुछ बाय या सेल कीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा वीडियो वीआईपी इंडस्ट्री के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय जय हिंद।